भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है गरीबों की दुर्दशा। निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उन्हें शिक्षित करना और उनकी खोई पहचान वापस लौटाना। हमारे जनसाधारण और देसी राजाओं के सामने एक बहुत बड़ा कार्य अभी अधूरा है। उच्च शक्तिशाली लोगों और विदेशी विजेताओं ने सदियों तक उन्हें कुचला है, जिसके कारण भारत के गरीब ये भी भूल गए हैं कि आखिरकार वे भी मनुष्य ही हैं। दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में उन्हें जागृत करना होगा, इसी से वे स्वयं का उद्धार कर सकते हैं। प्रणाम महाराज। मैना भाई पधारो। परंतु महाराज मैं महाराज मैं अपने कक्ष में जाना चाहूंगा। स्वामी जी, इनका कंठ और गायन बहुत ही मधुर है, आप सुनने की कृपा करें। महाराज, माँ मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए, आपके इस भजन ने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। मानो मेरी आंखों के आगे से अज्ञानता का पर्दा ही हटा दिया हो। आखिर हम सब में एक ही तो ब्रह्म है, फिर स्त्री पुरुष ऊंच नीच ये भेद कैसा। मैं आज से इन सभी भेदों से अपने आप को मुक्त करता हूं। That was the moment स्वामी जी got complete sainthood। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध को बोधित्व प्राप्त हुआ था, स्वामी विवेकानंद को खेतरी के इस राजभवन में पूर्ण संतत्व प्राप्त हुआ, और उन्होंने इस बात को अनेक जगह उल्लेख किया, मैं अपने आप को एक संत समझ रहा था। संत की दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा कोई भेदभाव नहीं होता। यही वो जगह है जहां मैनाबाई के भजन की ऐतिहासिक घटना घटी थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा ये छोटा सा कस्बा खेतड़ी है।
प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही खेतड़ी इसलिए भी अनूठा है कि इस कस्बे ने भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद का स्पर्श पाया है। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद की मित्रता की कहानियां खेतड़ी के कण कण में समाई हुई हैं, और उनकी मित्रता का जीता जागता उदाहरण है रामकृष्ण मिशन का ये सुंदर भवन फतेह विलास पैलेस, जो बड़े ही शान से राजस्थान की राजशाही संस्कृति और आधुनिकता को समेटे हुए हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये भवन इसलिए भी खास है कि स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी की 3 यात्राओं के दौरान यहीं रहे थे। इसे बनवाया था खेतड़ी के राजा फतेह सिंह ने, जिनके नाम पर इस महल का नाम रखा गया फतेह विलास पैलेस। रियासत काल में ये राजा का दरबार बना, फिर बना रामकृष्ण मिशन, और अब मिशन के साथ ही है अजीत विवेक संग्रहालय। तकरीबन 10 वर्ष चले जीर्णोद्धार के बाद राजा बहादुर सरदार सिंह द ग्रैंडसन ऑफ राजा अजीत सिंह डोनेटेड द फतेह विलास पैलेस टू द रामकृष्ण मिशन इन 1958। The palace has undergone extensive restoration in past decade and now houses a museum called Ajit Vivek dedicated to the friendship of Raja Ajit Singh and Swami Vivekananda. आइए इस अद्भुत संग्रहालय के गलियारों में घूमते हुए हम ले चलते हैं आपको इतिहास के झरोखों में और अनुभव करवाते हैं वक्त की कलम से लिखी हुई खेतड़ी और स्वामी विवेकानंद की दास्तान को, कि कैसे ये दो विभूतियां जो दो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से थे उनका इतना अटूट घनिष्ठ संबंध बना जो हमेशा के लिए कालजयी हो गया। जब हम ऐतिहासिक अभिलेखों को देखते हैं तो पता लगता है कि अपनी युवा अवस्था में नरेंद्रनाथ से सन्यासी बने स्वामी विविधीशानंद सद्भावना का संदेश देते हुए भारतवर्ष की यात्रा पर निकल जाते हैं, और इसी यात्रा के दौरान माउंट आबू की खूबसूरत पहाड़ियों में 4 जून 1891 को इनकी मुलाकात खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से होती है। महाराज, ये सिद्ध पुरुष हैं, आप इनसे भेंट कीजिए। धर्म पिपासु थे अजीत सिंह जी, नई नई बात को जानना चाहते थे, और अजीत सिंह जी की आत्मा संतुष्टि हुई। आत्मा संतुष्टि का मतलब है कि उनको प्रश्नों का उत्तर सटीक मिला। अजीत सिंह जी ने देखा कि तो बड़ा ज्ञानवान और बड़ा विद्वान साधु है। राजा अजीत सिंह इस युवा सन्यासी की विलक्षण बुद्धि से अत्यंत प्रभावित होते हैं और विविधीशानंद को खेतड़ी आने का निमंत्रण देते हैं। स्वामी जी, आप एक साफा बांध लीजिएगा, वो आपकी राजपूताना की गर्मी और लू से बचाव करेगा। ठीक है राजा साहब। 1891 में स्वामी विवेकानंद जी को यहाँ ले आए, और यहाँ स्वामी विवेकानंद जी लगभग 1.5 महीने आ रहे हैं। स्वामी जी को एस्ट्रोनॉमी का बड़ा रुचि थी, और अजीत सिंह जी भी एस्ट्रोनॉमी की बहुत रुचि रखते थे। ये जो भवन है जिसमें स्वामी जी का कक्ष था, इसके ऊपर एक टेलीस्कोप लगा के दोनों अध्ययन करते थे, स्टार्स का, प्लैनेट्स का अध्ययन करते थे। स्वामी जी ने राजा जी को एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत सी चीजें ना सिर्फ सिखाई बल्कि उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो सेलेस्टियल बॉडीज का मूवमेंट है, उनका इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें अध्ययन के रूप में उनको समझाई। दूसरी बार स्वामी विवेकानंद जी मद्रास में थे, घूम रहे थे, और उस समय वहीं चेन्नई में उनको पता लगा अमेरिका के अंदर शिकागो शहर के अंदर एक बहुत बड़ी धर्मशाला होने वाली है, तो वहां वो उसकी तैयारी करे जाने के लिए। तो जगमोहन लाल मुंशी को भेजा कि जाओ बोलो और एक बार मेरे गुरु महाराज को विवेकानंद जी को लेके आओ, उनको बोलो कि पुत्र रत्न हुआ है, तो उनको वो ले आए। स्वामी जी, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई
कि आप अमेरिका की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, विश्व धर्म संसद के लिए। जी, विश्व धर्म संसद बहुत ही अच्छा अवसर है दुनिया को हमारी महान आध्यात्मिक विरासत से परिचित करवाने के लिए। पर स्वामी जी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आपकी यात्रा का सारा बंदोबस्त खेतड़ी दरबार करेगा। जैसी आपकी इच्छा राजा साहब। मुझे तो पूर्ण रूप से विश्वास है वे आप ही हैं जो विश्व जागरण का कार्य कर सकते हैं। स्वामी जी, मैं चाहता हूं ये साफा और अंगरखा आप अमेरिका में विश्व धर्म संसद में पहने। साफा राजस्थान की एक परंपरा है और एक बहुत बड़ी यहाँ की समृद्धि भी है। साफे को यहाँ पे गौरव के रूप में देखा जाता है। तो राजा जी चाहते थे कि जब वो साफा पहन के अमेरिका जाएं तो भारत का ये गौरव हो, उसका प्रतिनिधित्व हो करे इसके रूप में। तो उन्होंने बड़े सम्मान से उन्हें दरबार में साफा भेंट किया था, जिसे स्वामी जी बहुत ही श्रद्धा के साथ में शिद्दत से स्वीकार भी किया था। सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत आभार राजा साहब। ये साफा ही आज पूरे विश्व में स्वामी जी की एक पहचान बन चुका है। ये खेतरी की देन थी। स्वामी जी, आपके नाम विविदिशानंद का उच्चारण काफी कठिन है और अब आपका विविदिशा काल भी समाप्त हो चुका है। आपकी प्रतिभा और आपकी विलक्षण बुद्धि के अनुरूप आपको एक नया नाम धारण करना चाहिए जो जनसाधारण भी समझ पाए। अच्छा, तो राजा साहब फिर आप ही कोई नया नाम बताइए। स्वामी जी, आपकी अमेरिका यात्रा से पहले मेरे विचार में आपके व्यक्तित्व और आपकी प्रतिभा के अनुरूप एक ही नाम है जो आपकी विवेक बुद्धि से प्राप्त ज्ञान को दर्शाता है, और वो नाम है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद, ठीक है भाई, स्वीकार किया। Ladies and gentlemen, thus far we have heard from numerous representatives of the great religions, representing the highest aspirations of millions of the citizens of our world. And now, it is my pleasure to introduce Swami Vivekananda, representing the Hindu religion from far off India. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I'm proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. As the different streams have their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने प्रभावशाली भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद रातों रात प्रसिद्ध हो गए और अमेरिका में चर्चा का विषय बन गए। स्वामी जी की जो स्पीच थी उसका इम्पैक्ट सब जो था, उससे जनता में जो आत्मसम्मान और विश्वास का भाव पैदा हुआ इंडियंस में, वी आर नॉट डाउन ट्रोडन, वी डू नॉट बिलोंग टू ए थर्ड रेट कंट्री, वी आर द पीपल ऑफ ए कंट्री हु रूल्ड एथिकली, हु रूल्ड एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली, जो विश्वगुरु का परसेप्शन तो मानते हैं। अमेरिका और विश्व के अखबारों ने उनके बारे में खूब लिखा। किसी अखबार ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का दर्जा दिया तो किसी अखबार ने प्रिंस अमंग मैन की उपाधि दी।
और अपनी तीसरी यात्रा पर अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद 12 दिसंबर 1897 को खेतड़ी पहुंचे और समूची खेतड़ी ने उनका एक विश्व विजेता की तरह स्वागत किया और अपने मित्र और गुरु के सम्मान में राजा अजीत सिंह ने पन्ना सर तालाब पर एक महाभोज का आयोजन करवाया और समूची खेतड़ी को 40 मन घी के दियों से रोशन किया गया। और इसी तरह विवेक और अजीत की मित्रता वक्त के साथ साथ और गहरी होती चली गई और एक दूसरे को दोनों ने काफी पत्र और चिट्ठियां भी लिखी। डियर गुरु, आई एम राइटिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट आई एम श्योर यू बीइंग सो काइंड अपॉन मी हैव नॉट फॉरगॉटन मी। वहीं एक खत में स्वामी विवेकानंद ने अजीत सिंह को ओनली फ्रेंड इन दिस लाइफ की संज्ञा दी और कहा कि मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई मदद मांगने में संकोच नहीं होता। सर्टेन मेन आर बोर्न इन सर्टेन पीरियड्स टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। यू एंड मी आर टू सोल्स बोर्न टू हेल्प ईच अदर इन अ बिग वर्क फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। What little I had done for the improvement of India would not have been done if you, Raja Ajit Singh, had not met me. I am truly grateful. ये मित्रता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद की माताजी के लिए 100 रुपए मासिक पेंशन भी बांधी, जो 1911 तक उन्हें मिलती रही। दोनों की एज 39 plus and less than 40 years. We can say it was a cosmic coincidence. हमारे सामने किसी वीर की भांति सीना ताने खड़ा ये फतेह विलास पैलेस मूक दृष्टा है इन सब युगांतकारी घटनाओं का जो स्वामी विवेकानंद के जीवन में खेतड़ी में घटी। और यहीं पर रामकृष्ण मिशन के मूलभूत भावों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। सबसे ऊपर बने हुए इस खूबसूरत कक्ष में स्वामी जी का प्रवास रहा है। राजा जी और स्वामी जी के बीच हुए महान संवादों का गवाह है ये कक्ष। इसी कक्ष से स्वामी जी खेतड़ी को निहारते थे। वर्तमान में इसे ध्यान कक्ष में बदल दिया गया है। सामने पहाड़ी पर दिख रहा किला भोपालगढ़ है, जहां किसी समय में खेतड़ी के वासी रहते थे। Recently, a light and sound show has been added to showcase Swamiji's relationship with Raja Ajit Singh and the town of Khetri. जिस प्रकार एक पंछी केवल एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता, उसी प्रकार एक समाज अपनी माता बहनों को पिछड़ा रख उन्नति का सपना नहीं देख सकता। भारतवर्ष के उत्थान के लिए हमें महान निडर नारियां तैयार करनी होंगी और ये सब होगा शिक्षा से। खेतड़ी की इन ऐतिहासिक इमारतों के माध्यम से हम एक ऐसे गुजरे हुए वक्त में चले जाते हैं जहां विवेकानंद जी के शब्द लोगों के लिए आवाज बनकर गूंजते रहते हैं, जो अग्रसर करते हैं हर एक युवा को एक नए युग की ओर और एक नए प्रबोधन की ओर। Swami Vivekananda's teachings about oneness of existence and the divinity of the soul are especially relevant today. We must remember that we are all interconnected and that no one can truly be happy or prosperous if others are suffering.